और आपको आपने देखा कि टॉस जो है वो ऑस्ट्रेलिया के कप्तान पैट कमिंस ने जीता है और टॉस जीतकर उन्होंने पहले बॉलिंग करने का फैसला किया है और जो टीमें हैं उसके हवाले से भी हम डिस्कस करेंगे। आमिर सुहेल और मोहम्मद शमी हमारे साथ मौजूद है। आमिर, ऑस्ट्रेलिया तीन फास्ट बॉलर्स के साथ जा रहा है, एक स्पेशलिस्ट स्पिनर है एडम जंपा, जबकि ग्लेन मैक्सवेल बैटिंग ऑलराउंडर है, कैसे देखते हैं इस कॉम्बिनेशन? देखिए, उनके पास ऑप्शन नहीं है। अगर आप ऑस्ट्रेलियन स्क्वाड देखें तो उनको इन्हीं प्लेयर्स के साथ चलना होगा और आई थिंक जिस तरह हमने पहले बात की थी कि इनके प्लान्स बड़े अच्छे होते हैं, अगर ये उनको अच्छे तरीके से एग्जीक्यूट कर लेते हैं तो ये इंडिया को चैलेंज कर सकते हैं, क्योंकि टॉस जीतना बड़ा इंपॉर्टेंट था इस वेन्यू के ऊपर और रन ऑन द बोर्ड जो है वो प्रेशर लेके आएंगे। समी, तीन फास्ट बॉलर अगर स्क्वाड पे आप नजर डालें, तीन फास्ट बॉलर तो है ही, उसके अलावा कैमरून ग्रीन और मिचेल मार्श भी बॉलिंग कर लेते हैं मीडियम पेस, तो टोटल पांच हो गए। जिस तरह पिच के बारे में कहा जा रहा है कि स्लोअर पिच है थोड़ा सा, जो हमने देखी रिपोर्ट, तो आप समझते हैं ये इतने इफेक्टिव साबित होंगे इस मैच में? भारत का बैटिंग पावर हाउस है। जी हाँ बिल्कुल, एडवांटेज तो बिल्कुल है इंडिया को, पावर हाउस है बैटिंग का, एक्स फैक्टर है उनकी बैटिंग में, लेकिन ये कि ये दे आर एक्सपीरियंस बॉलर, ये सारे एक्सपीरियंस बॉलर हैं, फिर इन कंडीशन का उनको पता है, पहले खेल चुके हैं, तो मेरे ख्याल में विकेट अगर आप देखें पिच रिपोर्ट तो ये डबल पेज भी है, थोड़ा इतना ईजी नहीं है कि वहाँ पे शॉट मेकिंग या स्ट्रोक मेकिंग इतनी ईजी, साढ़े 300 नहीं बन सकते, बिल्कुल बन सकते हैं, क्योंकि मॉडर्न डे क्रिकेट में ऐसा है कि फील्ड जो है फील्डिंग जो एक अंदर आया फील्डर उससे बहुत ज़्यादा आपको टोटल बनाने में इजी हो गया, एक साइड आपको गैप मिलता ही मिलता है। शुभ पिचेस के ऊपर अगर फास्ट बॉलर जो है वो पेस ऑफ करे, कटर मारे, तो हिट मारना बड़ा मुश्किल हो जाता है, और अगर आप थोड़ा सा अर्ली ड्राइव कर दे तो वो हवा में जाता है। सो फास्ट बॉलर जो है वो भी अच्छा ऑप्शन है इस पिच के ऊपर। अच्छा, शुभमन गिल नहीं है, भारत के प्रोफिलिक रन स्कोरर, और ईशान किशन इनिंग्स ओपन करेंगे, लेकिन भारत के पास इतना बैकअप टैलेंट है कि अगर कोई जख्मी हो जाए, शार्दुल ठाकुर टीम में नहीं, आप अंदाजा लगाएं कि उन्होंने वो ऑलराउंडर्स के जुमरे में आता है, उनके पास भी हार्दिक पांड्या, मोहम्मद सिराज जो उनकी बॉलिंग है, इवन मोहम्मद शमी उनकी टीम में 11 रुकनी टीम में नहीं है। देखिए, इंडिया का जो बैटिंग टैलेंट है वो हमेशा से था, लेकिन कुछ सालों से इंडिया ने अब वो छक्के वाले प्लेयरों के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंड करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से वो इतना कुछ जीत नहीं सके। ये वापस आए हैं टेक्निकली स्ट्रॉन्ग बैटर्स की तरफ, जिनको हर सिचुएशन में रन्स करने आते हैं। अगर आपको 6 की एवरेज चाहिए, उनको पता 6 की एवरेज किस तरह करनी है, 7 की एवरेज करनी है वो किस तरह करनी है, 8 की, तो ये वाली जो बैटिंग लाइनअप है अगर आप नजर, आपको बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस दे रही है। और उसके बाद आपने जो क्वेश्चन किया था, ये पिच स्लोर है, क्या तीन स्पिनर खिलाएंगे? उन्होंने तीन स्पिनर खिला दिया है और उनके पास देखे तीन फास्ट बॉलिंग ऑप्शन है और तीन स्पिनर की ऑप्शन है, और उसमें एक आधा इनका बैट्समैन भी जो है वो थोड़ी बहुत बॉलिंग कर लेता है। अच्छा, इसमें अगर समी आप देखें कि भारत की जो टॉप 4-5 बैट्समैन है वो बड़े रन, बहुत ज्यादा रन स्कोर कर रहे हैं, चाहे रोहित शर्मा, राहुल, ईशान किशन, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, और खास बात यह कि सूर्या कुमार यादव की जगह नहीं बनी इस 11 रुकनी टीम में। तो जो आमिर जिस तरह से कह रहे थे कि बैटिंग उनकी बड़ी तगड़ी है भारत की। जी हाँ बिल्कुल, बैटिंग बहुत ज्यादा तगड़ी है, और अगर आप देखें रिसेंट ईयर से इन्होंने बहुत ज्यादा टेक्निक पर काम किया है, इनको रियलाइज किया कि फास्ट बॉलिंग पे इन्होंने काम करना है, इनके पेस बॉलिंग अकेडमीज चलनी है, फिर सबसे ज्यादा जहाँ इन्होंने काम किया है डेटा एनालिसिस पर काम किया है। मतलब अगर आप वर्ल्ड में देखें तो पहले आप सिर्फ ये ऑस्ट्रेलियन टीम में देखते थे कि डेटा पे बहुत ज्यादा ना था हमारे पास जो है पाकिस्तान। जी हाँ बिल्कुल है, लेकिन अगर आप देखें दुनिया की सारी लीग मेजोरिटी डाटा है तो बहुत ज्यादा आप इंतजार कर रहे हैं, इनको पता है किस टीम को कहाँ हट करना है, वर्कआउट कर गया हुआ है इन्होंने, और अब बात आ जाती है कि जहाँ ये अच्छा एग्जीक्यूशन करेंगे, मेरे ख्याल में दोनों टीमों का यही है, जिसकी एग्जीक्यूशन ज्यादा अच्छी होगी तो वो आज जीतेगा। इस लाइनअप को देखें आप, हम क्या बात कर रहे हैं कि ऐसी कंडीशंस में आपको बॉलिंग ज्यादा करनी, पांच फ्रंटलाइन बैट्समैन है उनके, वही पांच जिनका जिक्र, दो ऑलराउंडर सही, रविचंद चंद्रन, अश्विन भी थोड़ी बहुत बैटिंग कर लेते हैं, लेकिन आप देखिए कॉन्फिडेंस देखे कि ये पिच जिसके बारे में कह रहा है, कहा जा रहा है कि टू पेस्ट है, यहाँ पे बॉलर्स को जो है
वो मदद मिलेगी और बैट्समैनों को मेहनत करनी पड़ेगी। इतना कॉन्फिडेंस है उनको कि उन्होंने सिर्फ 5 फ्रंटलाइन बैट्समैन खिलाए हैं और बॉलिंग उन्होंने पैक की है। अच्छा, राहुल द्रविड़ ने चार्ज लिया रवि शास्त्री के बाद। राहुल द्रविड़ शुरू में उन पर बड़ा क्रिटिसिज्म हुआ, उनकी टीम वेस्ट इंडीज में भी सीरीज में मैच हार गई। यहाँ पर आप कैसे देखते हैं द्रविड़? हमारे यहाँ होता तो फौरन हटा देते हैं, लेकिन एज उसको कंसिस्टेंसी के साथ लेकर देखिए, जहां तक आप रवि शास्त्री की बात करते हैं तो रवि शास्त्री को वॉज अ मेंटोर और प्लेयरों को इनकरेज करने वाला, उनके साथ घुल मिल के आगे चलने वाला एक कैरेक्टर था। जहां तक आप द्रविड़ की बात करते हैं, द्रविड़ जो है वो सीरियस क्रिकेटर है। वो उसकी कंसंट्रेशन है कि मेरी टीम जो है वो टेक्निकली स्ट्रांग होके आगे किस तरह जाएगी। तो वो कोच जो राहुल द्रविड़ है वो आपको हर प्लेयर को रोल देगा और उसकी एग्जीक्यूशन का बताएगा। बैट्समैन को बताएगा क्या करना है, बॉलर को बताएगा कि मैं अगर बैट्समैन हूं तो मुझे किस चीज से खतरा होगा आपकी बॉलिंग के ऊपर।